सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं राउरकेला से घटगांव तक का हम लोग कैसे जाएंगे एंड कौन कौन सा रोड होके जाएंगे, कौन कौन से रूट होके हम लोग जाएंगे, ये वाला मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए एंड वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। एंड आपको अगर कभी भी आप बाइक में या कार में ट्रैवल करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है एंड अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि इस रूट में मैं आपको सब कुछ जो रोड है बताने वाला हूँ एंड कौन कौन सा रूट होकर हम लोग गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले भी मैं बाइक में इस रूट में ट्रैवल कर चुका हूँ, लेकिन जब भी मैं बाइक में गया था वो अलग रूट था, ये वाला जो रूट है वो अलग रूट है। तो फ्रेंड्स देखिए, बाइक में जो गया था वो भी केवंझर के रूट में हुआ था, लेकिन जगमोहनपुर हरिचंदनपुर रूट में गया था, लेकिन ये वाला जो रोड है वो सुआकाटी जो रोड है ना, सुआकाटी जो शॉर्ट रोड होता है, मतलब कि हम लोग जंगला ब्रिज होके सुआकाटी होके जाएंगे, ये वाला जो रूट है फुल्ली डेंजरियस रूट है। एंड जो सुआकाटी एक ठो घाटी भी पड़ता है, जो घाटी है उसको हम लोग फुल्ली आज आराम से देख के चलाएंगे एंड ये वाला रोड में हम लोग घाटी को पार करके जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप जंगला रोड होके जो जाएंगे मैंने बोला है, तो आप पहले तो राउरकेला से निकलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सिंपली आपको राउरकेला से जब निकलेंगे ना, आप पानपोस से अगर लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो आपको एक तो सीधा रोड मिल जाएगा, जो कि आपका पानपोस होके रंगीला चौक होके लाठीकटा होके आपको सीधा जाके बणई जो गोले चौक है, जो बणई जो राजामंडा से पहले जो गोले चौक मिलता है वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। पहुँच जाने के बाद आपको सिंपली राइट टर्न ले लेना है। राइट टर्न लेने के बाद आपका जो है बारकोट जो रोड है, बारकोट का रोड में आपको सीधा जाने के बाद लेफ्ट टर्न आपको जो एक ठो मिल जाएगा, जो कि जंगला, यहाँ पर आपको मैप में थोड़ा सा मार लेना है जंगला ब्रिज। जंगला ब्रिज जाने के लिए जो कि मतलब कि सबसे शॉर्टकट एंड अच्छा रोड है, तो वहाँ पर से आपको जो है जंगला ब्रिज जाना है। जंगला ब्रिज जाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो रोड है मैं अभी जो आपको दिखा रहा हूँ, यही रोड में आप निकलेंगे। बीच में बिल्कुल भी टर्निंग नहीं है एंड यहाँ पर देख सकते हैं एक तो जो चौक है, यहाँ पर ये वाला चौक को जकई केला बोला जाता है, जकई केला चौक, यहाँ पर आप निकलेंगे एंड यहाँ से आपको जो है राइट टर्न ले लेना है। यहाँ पर जकई केला चौक में आप राइट टर्न लेने के बाद सीधा हम लोग अभी चलेंगे एंड नेक्स्ट देखिए कहाँ पर हम लोग निकलते हैं। देन फ्रेंड्स, अगर आप फुल्ली सीधा जाएंगे उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जंगला ब्रिज जो है, यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो ब्रिज है आसपास 500 या 600 मीटर का आपका जो है यहाँ पर ब्रिज आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी रोड में आपको सीधा जाना है एंड ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ब्रिज क्रॉस करते हैं आपका जो है बाहड़ा पोसी रोड होकर भी आप जा सकते हैं। बाहड़ा पोसी रोड होकर आप लोग पालवाड़ा में निकल के उस रोड में भी जा सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आज सुआकाटी रोड जो है, जो घाटी का रोड में हम लोग यहाँ पर आज जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आप ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं, यहाँ पर आपको राइट साइड ना लेके लेफ्ट साइड टर्न कर लेना है। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट साइड लेने के बाद ये भी हम लोग सीधा चलेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में आपका जो है जनता उच्च विद्यालय यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सब जगह में एक एक करके बता दे रहा हूँ, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है। एंड राइट साइड में और एक आपको जो है मंदिर भी मिल जाएगा। इसी रोड में हम लोग फुल्ली अभी सीधा चलेंगे। सीधा चलने के बाद आपको जो है आगे में मिलेगा महुलडीही चौक। महुलडीही चौक को जाने के लिए आपको जो है अभी हम लोग जो मार्केट में निकलेंगे, ये वाला चौक देख सकते हैं, यहाँ पर से हम लोग आपको लेफ्ट ले लेना है। लेफ्ट अगर आप ले लेते हैं तो आपको जो है महुलडीही मार्केट को आप एंट्री करेंगे। महुलडीही मार्केट में एंट्री करने के बाद आपको जो है फुल्ली सीधा जाना है। सीधा जाने के बाद आप जो है महुलडीही चौक, जो मेन जो महुलडीही चौक है वहाँ पर आप निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सिंपली जो है महुलडीही चौक में यहाँ पर निकल गए हैं। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं महुलडीही यहाँ पर भी लिखा गया है, देख सकते हैं बोर्ड मारा गया है। यहाँ पर से आपको सिंपली राइट टर्न ले लेना है। राइट टर्न ले लेने के बाद आपको जो है सीधा यहाँ पर जाना है। सीधा जाने के बाद देख सकते हैं ऊपर में भी आपका जो है बोर्ड मारा गया है, जो कि केवंझर सुआकाटी एंड खौंडाधार इस टाइप का कुछ आपका जो है बोर्ड मारा गया है, जो कि फुलझर के रोड में, मतलब कि हम लोग अभी जो सुआकाटी के लिए रवाना हो रहे हैं हम लोग फुलझर होके जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको सीधा जाना है। सीधा जाने के बाद आपको जो है एक छोटा सा चौक मिल जाएगा, जो कि सौंडा चौक बोलते हैं एंड यहाँ पर से आपको लेफ्ट ना लेके राइट टर्न ले लेना है। एंड यहाँ पर बोर्ड भी मारा गया होगा एंड इंडिकेटर भी दिया गया होगा, जो कि राइट साइड के लिए,
तो आपको जो फुलझर जो लिखा गया होगा उसी रोड में आपको राइट साइड ले लेना है छोंडा चौक से। छोंडा चौक से देख सकते हैं राइट लेने के बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पर छोटा सा एक तो ब्रिज भी मिल जाएगा एंड इसी ब्रिज में आपको फुली अभी सीधा जाना है। तो फ्रेंड्स सीधा जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर फुलझर मार्केट जो है आपको मिल जाएगा। फुलझर जो जगह है उस रोड होके आप जाएंगे तो ये वाला जो जगह है फुलझर मार्केट आपको मिल जाएगा। इसी रोड में आपको सिंपली सीधा जाना है जो कि सुआकाटी की तरफ एंड ये वाला जो रोड में आपको देख सकते हैं आपको हॉस्पिटल भी मिल जाएगा एंड स्कूल यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा जो कि आपको रोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसी रोड में आप सीधा जाएंगे एंड आपका जो है घाटी एक ठो घाट पड़ेगा जो कि आपको सुआकाटी घाट बोला जाता है एंड उसी घाट में आपको जो है सिंपली जाना है एंड उस जगह का नाम है रगड़ी। रगड़ी जगह मतलब कि उस रोड होके आप जो है घाट में एंटर करेंगे एंड यहाँ पर देख सकते हैं घाट स्टार्स एंड इस टाइप का कुछ लिखा गया है जो कि इस घाटी में आपको बहुत ही सावधान होकर गाड़ी चलाना है एंड बहुत ही डेंजर टाइप का घाट है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके गाड़ी चलाएंगे तो आप इजीली घाट को जो है क्रॉस कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग आज मतलब कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको जो है थोड़ा बहुत करके यहाँ पर घाटी जो है दिखा देता हूँ। अगर आपको मतलब कि पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसी रोड में आपका जो है रगड़ी घाटी होके अब जो है सुआकटे रोड में सिंपली हम लोग आज रवाना होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस रोड को जो है मतलब कि हल्का फुल्का नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि जो घाटी जो है वो डेंजरस रोड होता है। अगर सामने से भी कोई गाड़ी मतलब कि आ जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको जो है घाटी क्रॉस करना है अगर मतलब कि आप एक एक्सपीरियंस ड्राइवर है तो आप इस रोड में जाइए, अदरवाइज नहीं जाएंगे तो भी बेहतर है। आप जो है भाड़ापसी रोड या पहलड़ा होकर आप जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स और एक ज़रूरी बात यहाँ पर बता देता हूँ, आपका जो है यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है इसीलिए आप जो है सुआकाटी केउंझर के लिए मैप को ऑन कर देके छोड़ दीजिए। नेटवर्क ना रहने पर भी ये जो ऑफलाइन मैप आपको शो करेगा तो आप इजीली यहां पर जा सकते हैं। ये वाला जो रोड है घाटी पड़ता है लेकिन आपका जो है भाड़ापुसी रोड से ये वाला रोड में आपको जो है कम से कम 40 किलोमीटर से आपका जो है घट जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो रोड है रोड भी अच्छा है एंड शॉर्टकट रोड भी है। तो फ्रेंड्स इसी रोड में आपको जो है सीधा जाना है। हम लोग अभी सुआकाटी जो प्लेस है सुआकाटी जो जगह है वहाँ पर हम लोग निकलेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं घाटी को जो रोड है वो चढ़ाना इतना ईजी नहीं है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये वाला जो रोड है आपको जो है गड्ढा भी मिल सकता है एंड रोड भी अच्छा भी मिल सकता है ख़राब भी मिल सकता है। तो इस रोड में आपको जो है देख रख के आपको गाड़ी ड्राइव करना है एंड मैं देख सकते हैं मतलब कि आगे पीछे साइड ऊपर नीचे करके मैं कैसा ड्राइव कर रहा हूँ। इस टाइप का जो है आपको सिंपली ये वाला जो रोड है आपको क्रॉस कर लेना है एंड आपको जो रोड में एक दो आदमी लोग भी मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है या कुछ पूछना चाहते हैं तो उस रोड में भी आप पूछ सकते हैं और आदमी लोग भी अच्छा लोग हैं, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो है घाटी जो है वो ख़त्म हो चुका है एंड इस रोड में अगर आप सिंपली सीधा जाएंगे ऊपर में भी देख सकते हैं आपका जो है बोर्ड मारा गया है केउंझर सुआकाटी एंड जो है बंगसपाल यहाँ पर आपको जो है बोर्ड मारा हुआ मिल जाएगा जो कि बंगसपाल जो है 31 किलोमीटर सुआकाटी जो है 43 किलोमीटर से आपको जो है यहाँ पर मिल गया है। तो उसी रोड में अगर आप सीधा जाएंगे यहाँ पर देख सकते हैं जो बंगसपाल जो चौक है बंगसपाल मतलब कि आगे रहेगा इस रोड से आपको जो है राइट टर्न ले लेना है। ये वाले देख सकते हैं बरगद का पेड़ है यहाँ पर से आपको जो है सिंपली राइट टर्न लेने के बाद आपको जो है बंगसपाल मार्केट में जो है आप सिंपली निकल जाएंगे। यहाँ पर मार्केट में अगर आप चाहते तो कोई टिफिन फिफिन भी कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इस रोड में आपको सीधा जाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सीधा जाने के बाद आपका जो है बंगसपाल मार्केट में आप निकल जाएंगे। निकलने के बाद उसी रोड में देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको जो है कोई फील्ड भी यहाँ पर मिल जाएगा एंड यहाँ पर हम लोग सीधा चलेंगे। सीधा जाने के बाद आपको एक तो पुलिस का चेक पोस्ट भी यहाँ पर मिल जाएगा जो कि रोड का साइड में लगा हुआ मिलेगा, मतलब कि यहाँ पर आसपास आपका जो है पुलिस स्टेशन में आपको मिल जाएगा, कोई भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। एंड इस रोड में अगर आप सीधा चलेंगे यहाँ पर राइट साइड में और एक तो आपको जो है चौक मिल जाएगा लेकिन राइट ना लेके आपको सिंपली सीधा जाना है, मतलब कि आप मार्केट जो है फुली क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको और एक ठो जो है राइट साइड भी यहाँ पर चौक मिल जाएगा। इस रोड में भी आपको जो है सीधा जाना है। सीधा जाने के बाद देख सकते हैं इस रोड में हम लोग आज एंट्री करेंगे जो कि आपको सुआकाटी की तरफ हम लोग अभी एंटर करेंगे एंड ऊपर में भी देख सकते हैं आपका जो है बोर्ड मिल गया होगा जो कि केउंझर एंड सुआकाटी का मतलब रास्ता में एंड यहाँ पर जगदला जो कि एक ठो डैम भी है, अगर आप चाहते हैं तो घूम के भी जा सकते हैं एंड यहाँ से आसपास 35 किलोमीटर आपका जो है सुआकाटी यहाँ पर रह गया है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली देख सकते हैं एक ठो ओवर ब्रिज के नीचे में हम लोग निकल गए हैं एंड ये वाला जो ओवर ब्रिज है ऊपर में और
एक ठो रास्ता गया है, लेकिन हम लोग को जो है नीचे से निकल जाना है स्वागाटी के लिए। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं स्वागाटी यहाँ से जस्ट 25-30 किलोमीटर आपका जो है मिल जाएगा, एंड ये वाला जो ओवर ब्रिज के नीचे में आपको सिंपली सीधा चले जाना है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपली आपको सीधा जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर और एक ठो आपका जो है स्कूल या कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि पाटेश्वर, ये वाला जो जगह है पाटेश्वर स्कूल या कॉलेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मिल जाने के बाद सिंपली आपको सीधा जाना है उसी रोड में, एंड यही रोड में आपका जो है आगे में देख सकते हैं एक ठो माइनिंग कॉरपोरेशन भी यहाँ पर आपको जो है मिल जाता है, एंड इस रोड में आपको सीधा जाना है। देख सकते हैं माइनिंग कॉरपोरेशन यहाँ पर जो है आपका गेट भी मिल गया है, एंड गाड़ी या दुकान बाजार यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, जो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। देन फ्रेंड्स देख सकते हैं फाइनली हम लोग यहाँ पर जो है सुआकाटी में निकल गए हैं। इस रोड में आपको सीधा आना है, एंड देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आपका जो है मार्केट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिखा गया है कुछ इस टाइप का। इस रोड में निकलने के बाद सामने देख सकते हैं इस रोड में हमको आगे जाना है, इस रोड में हम लोग जाएंगे एंड लेफ्ट साइड टर्न ले लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड टर्न लेने के बाद आपका जो है केंवझर घटना के लिए हम लोग रवाना हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो रोड है आपका जो है सुआकाटी में हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी सीधा जाएंगे, सीधा जाने के बाद देख सकते हैं आपका जो है पुलिस लोग भी यहाँ पर मतलब कि ड्यूटी कर रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है जो कि आपको हेल्प हो जाएगा। एंड देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो रास्ता है जो NH आपको मिल जाता है, जो कि मुंबई एंड कोलकाता का जो NH है, इसी रोड में आपको सीधा जाना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अगर सीधा जाएंगे तो केंवझर में निकलेंगे, अगर आप राइट साइड ले लेते हैं उस चौक से राइट साइड अगर ले लेंगे तो आपका जो है राउरकेला के लिए आपका जो है रोड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी रोड में हम लोग सीधा जाएंगे, सीधा जाने के बाद आपका जो है केंवझर घटना के लिए जो मेन रोड है आपको जो है मिल जाएगा, एंड इस रोड में आपका जो है सानघाघरा बड़घाघरा जो वाटरफॉल है उस रोड भी आपको निकल सकते हैं इस रोड में। देखिए फ्रेंड्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको कभी भी सानघाघरा या बड़घाघरा या घटगांव के लिए भी अगर आना होगा तो आपको जो है यही रोड में आप आ सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे शॉर्टकट मतलब कि 2-3 घंटा के अंदर में भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, एंड बहुत ही अच्छा बात है। तो फ्रेंड्स फाइनली देख सकते हैं हम लोग सानघाघरा जो वाटरफॉल है उसका गेट देख के देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मतलब कि रेस्ट करके आप देख कर भी जा सकते हैं। देन यहाँ पर मेन रोड में उतरने के बाद आपको जो है यहाँ पर सीधा जाना है, सीधा जाने के बाद देख सकते हैं जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं और एक यू टर्न का जो सिंबल यहाँ पर मिल गया होगा, इसी रोड में जस्ट आपको जो है राइट टर्न ले लेना है। यहाँ पर राइट टर्न जो आप लेंगे ना इस मतलब कि ये वाला मेन रोड से आपको जो है नेक्स्ट जो मेन रोड जो है केंवझर को जाने के लिए उस रोड में आपका जो है निकल जाना है। देन यहाँ पर आपका जो है राइट टर्न ले लेंगे, लेने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सीधा जाएंगे, ये वाला जो ट्रक फ्रक जो आ रहा है इस रोड में आपको जो है सीधा जाना है। जस्ट थोड़ा आगे जाने के बाद जो है आपको जो है यहाँ पर आपको टर्निंग मिल जाएगा, जो कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये वाला जो टर्निंग में आपको अगेन राइट साइड जो है यहाँ पर घूम जाना है, इस टाइप का जो लेके आपको राइट टर्न घूम जाना है। घूम जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं केंवझर का जो बोर्ड भी मारा गया है, जस्ट यहाँ से 2 किलोमीटर आपका जो है केंवझर जो बस स्टैंड भी मिल जाएगा, कुछ इस टाइप का आपका जो है मेन रोड में आपको सीधा जाना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में भी और घाटी का तरफ आपका जो रोड मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देन फ्रेंड्स ये वाला जो रोड में फुल्ली आपको सीधा ही जाना है, देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा स्पीड कर दे रहा हूँ वीडियो को, एंड देख सकते हैं इस टाइप का कुछ आपको सीधा जाना है। सीधा जाने के बाद जस्ट थोड़ा आगे में ही आपका जो है केंवझर जो घटगा जाने का जो रोड है आपको सीधा यहाँ पर मिल जाएगा। देन यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है ढिंकी कोट चौक आ गया है, यहाँ पर ढिंकी कोट में हम लोग लेफ्ट नहीं लेंगे, यहाँ पर हम लोग सीधा जाएंगे। इस रोड में भी अगर एंट्री करेंगे तो आप जो है केंवझर का मेन मार्केट में आप पहुंच जाएंगे, आपका जो है केंवझर बस स्टैंड जो मेन मार्केट जो केंवझर का उस टाइप का आपका जो है रोड यहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर नहीं जाना है आपको, जो है सिंपली यहाँ पर सीधा जाना है। सीधा जाने के बाद आपका जो है केंवझर जाने के लिए मतलब कि अगर आप घटगा जाएंगे घटगा के रोड में भी अगर जा सकते हैं और मेन केंवझर होकर भी जा सकते हैं, लेकिन उस रोड में नहीं जाना है हम लोग को, यहाँ पर बाईपास का रोड होकर सीधा हम लोग को निकल जाना है। देन यहाँ पर सीधा जाने के बाद कुछ किलोमीटर के बाद आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं और एक टर्निंग आ जाएगा, जो कि ऊपर में भी बोर्ड मारा गया होगा, जो कि घटगा टेम्पल यहाँ पर जो है 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर से आपको सिंपली राइट साइड का रोड ले लेना है, राइट साइड का रोड लेने के बाद अगेन आपको जो है राइट टर्न में देख सकते हैं और एक जो रास्ता है उसी रोड में जो है गाड़ी को एंट्री करा लेना है, जो कि राइट टर्न लेने के बाद यहाँ पर जस्ट 3 किलोमीटर से आप चलेंगे, उसके बाद आपका जो है घटगा मंदिर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि मंदिर में देख सकते हैं 4 गेट हैं, 4 गेट में आपका जो है जो भी गेट के सामने आप गाड़ी खड़ा कर सकते हैं और आपका जो है नारियल या कुछ लेकर आप मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
कुछ यही था डिटेल वीडियो जो कि राउरकेला से घटगांव तक जो कि क्योंझर में पड़ता है उसका जो है फुल रोड मैप के साथ डिटेल्ड वीडियो। एंड फ्रेंड्स और एक बात मैं आपके लिए बता देता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप कभी भी घटगांव जाते हैं, अगर आप गाड़ी जहाँ पर खड़ा रखेंगे वही सामने से ही आपका जो है भोग के सामग्री आप ले सकते हैं, क्योंकि वो लोग गाड़ी वहाँ पर खड़ा करने नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स यही बात है। एंड अगर आप भोग करने जाते हैं तो आपका जो है 20 रुपीज़ का आपका जो टिकट करना होगा, टिकट करने के बाद आप जाके पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली इस टाइप का वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। एंड फ्रेंड्स और एक बात है, अगर आप राउरकेला से जाजपुर तक जाना चाहते हैं एंड वीडियो चाहते हैं तो आपका जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा मैं लिंक को, आप जाके वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।